सो आई वॉज अप्रोच विद सेंस दैट सुगुसा ने जब पहली बार मुझसे बात की थी कि कहानियाँ हैं और उन कहानी को वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं ऐसे कि एक सूत्रधार हो जो अपना कोई भी एक बाइस्ड पॉइंट ऑफ व्यू ना देते हुए उन तक ये कहानी ले जाए और उन्हें ये पूरी कहानी के जो ऑप्शन नाउंस हैं वो अपने साथ उन ऐसी दृष्टि से दिखाए कि ऑडियंस उस पर सोचना शुरू करे और मेरा मतलब मेरे मैंने भी जिस हिसाब से इसे परसीव किया था मैंने मेरे करने का एक ही अंडरस्टैंडिंग यही थी कि ना मैं इसे कोई जजमेंट दूँ ना मैं इसे ऑडियंस को डराऊँ ना ही मैं आ, उन्हें ऐसी कोई बात बता दूँ या ऐसा कुछ बता दूँ जिससे तो वो एक डायरेक्शन में जाकर सोचें तो मैं सिर्फ एक दोस्त का किरदार कर रहा हूँ ऑडियंस के कि जो कि उनको ये पूरी कहानी नहीं बता रहा है जब मैं एपिसोड्स देख रही थी वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर आई गेस ठीक है ये एक ह्यूमन का एक अलग साइड देखने के बाद वट वॉज योर रिएक्शन यू नो क्या वो अफेक्ट किया आपको जी बहुत बहुत आ, हद तक इसने अफेक्ट किया और ये सारी बातें जानकर कहीं ना कहीं बहुत दुख भी होता है कि ये सारी घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं और क्योंकि ये सत्य घटना से प्रेरित है तो ये बात उतनी ही सच है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो हो रहा है इसे डरने की जरूरत भी नहीं है पर हाँ एक सतर्कता रखने की जरूरत है ये सारी चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है और अगर हम बात करें कि ये चीज़ स्टार्ट कैसे होती है यू नो कभी कभी मोस्टली मैं देख रही थी यूथ से रिलेटेड ही थी सारी की सारी चीजें कि यूथ का जो एंगर होता है बेसिकली और यू uh, नो you know, एक दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए ये चीज़ देख रही थी मैं तो इससे रोका कैसे जाए मुझे लगता है कि इसे रोकने के लिए तो पता नहीं बहुत कुछ है एंड देर आई एम श्योर देर आर एक्सपर्ट्स हु कैन कमेंट ऑन दिस सो मैं एक तो पहले एक्सपर्ट नहीं हूँ पर जितना भी मैं समझ पाया जो भी मैंने पढ़ा है जो भी मैंने देखा है उससे मुझे लगता है कि सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें बचा के रख सकती है आप किसी को बियॉन्ड द पॉइंट तो किस कितना ही समझा दोगे पर सेल्फ कंट्रोल एक ऐसा है कि मैं खुद पर तो कंट्रोल कर ही सकता हूँ फिर चाहे वो मेरा एंगर हो चाहे मेरा गुस्सा, चाहे बदले की भावना हो चाहे

अब हो गया है। ऐसा, ऐसा कोई क्राइटेरिया पर्टिकुलरली है नहीं fact, मैं तो अलग अलग अलग-अलग कहानियाँ अलग -अलग करना चाहता हूँ और करते भी रहता हूँ यह भी एक चीज़ है काम कभी किया नहीं था तो मैंने सोचा ये भी एक बार करके देखते हैं स्कैम जस्ट रिलीज हुई थी ठीक है अब मैं वापस आपसे तीन साल बाद मिल रही हूँ उसके बाद कितनी लाइफ आपकी चेंज हुई काफ़ी कुछ चेंज हो गया बहुत कुछ चेंज हो गया लाइफ में लोगों का नजरिया खास करके बहुत कुछ बदल गया आ, जितने एक्सपेक्टेशन बढ़े हैं लोगों से उतना ही उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है मुझ मुझे पे ऐसा मुझे जो महसूस होता है फिर चाहे वो ऑडियंस हो चाहे मेकर हो तो मुझे लगता है एक्टर के लिए तो यही सबसे बड़ी देन होती है हर एक, एक एक्टर इसी का वेट करता है राइट like, जब आप स्टेज uh, कर रहे थे थियेटर्स कर रहे थे कई सारे बर्थडे पार्टीज को होस्ट कर रहे थे तब से अब तक की जर्नी के लिए कितने ग्रेटफुल आई 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 एम एम रियली ग्रेटफुल टू एंड दैट हैव डन

से जो भी मिलता है उसे थोड़ा छान कर समझ कर तो, पिंच वन तो वहां से जो कंस्ट्रक्टिव लगता है उस पर काम कर लेते हैं और आगे क्या कर रहे हो आप अभी सबसे बड़ा तो गांधी वेब सीरीज शुरू होगा तो उसी की तैयारी चल रही है न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो इस बार तो न्यू ईयर घर पे है और बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसके बाद सीधा जो शूट शुरू होगा वो फिर लंबा चलेगा और हम दो की बात करें इतने सारे प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे की बात करें तो आप स्कूप में भी कैमरों कर रहे थे ठीक है और मैं आ, हंस मेहता की बात उन्होंने कई एक इंटरव्यू में किसी भी, <laughs> <थीके? laughs> uh, you know, भी चीज कोई भी चीज हो फिर चाहे काम की बात हो चाहे uh, अलग कोई बात हो

मुझे लगता है उस हमारा फील्ड सिर्फ करने का फील्ड है सो so मौका मौका मिले जो मौका मिले जो जितना कर सकते हैं उतना करते रहिए, कब कौन सी चीज जैसे कि आपके साथ ही इतने साल जो किया उसकी वजह से शायद में जो हुआ यस बट आई लाइक टू नो कि वो फर्स्ट तक कैसे आया वो स्कैम गम कहें तो तो वही है जो छोटा छोटा काम कर रहा था ना उसी की वजह से स्कैम मुझ तक पहुंची मैंने अंसर से बात हुई थी उन्होंने बताया उन्होंने मेरी एक दो गुजराती फिल्में देखी थी मेरा एक नाटक देखा था और शायद उसी की वजह से ही थाट देट स्कैम में मैं ठीक कर पाऊँगा खैर मैंने उसका ऑडिशन भी दिया था पर वही है कि एक काम से दूसरा काम मिलता है और ये शायद इस इंडस्ट्री का रूल है और कुछ क्या कहना चाहूँगी आपने फैंस को सबसे पहले फ़ैन से सब मेरी एक ही प्रार्थना है कि जितना प्यार दिया है उतना प्यार बरकरार रखिएगा आप तक नई नई चीज़ें पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं नए नए किरदार बनाने की नई कहानियों का हिस्सा बनने की कोशिश करता हूं और मुझे लगता है कि जितना काम करके मुझे खुशी होती है उतनी ही खुशी आपको ये सब देख के भी होगी और दूसरी एक बात कि जितना प्यार मुझे दिया है उतना ही प्यार दूसरे कलाकारों के लिए भी रखिएगा बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आपके प्यार का इंतजार कर रहे हैं शायद उनकी किस्मत भी रातों रात, रात आप ही बदल सकता है हाई दिस इज़ प्रतीक गांधी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाव बॉलीवुड नाव के सारे ऑडियंस को मेरी तरफ से न्यू ईयर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं